हाय गाइस, मैं इसके पहले वाला वीडियो जो लोड अपलोड किया था उसमें आपको भारू के बारे में बताया था, भारू फॉर्म में 23 बताया था, क्योंकि मैं हर वीडियो का एक सीमित टाइम रखा हूँ, ओनली 25 मिनट्स या 30 से पहले, क्योंकि ज़्यादा अगर आपको अभी दूँ लेट तक तो उससे बोरिंग फील होने लगे। और मैंने बताया था इंग्लिश को आप लैंग्वेज को ना लेकर चलें, हमने बताया उसको मैजिक समझ कर चलें। और इसलिए मैंने आप लोगों को जो इसके पहले वाले वीडियो मैं जो आपके पास दिया हूँ भेजा हूँ उसमें मैंने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को कुछ नहीं किया, बस बोर्ड पे दिया और आप कवर कर लिए होंगे, देखिएगा उसमें कुछ नहीं है। और मैं भर्ब को कचरा नहीं बनाया, मैं भी वर्ब्स फॉर्म में जो मैंने बताया था कि रिपीट करूँगा, बिल्कुल रिपीट करने के लिए उद्देश्य आया हूँ। रिपीटेशन तो ज़रूरी है, क्योंकि मनुष्य जो होता है ना, मैन जो होता है ना, मानव सबसे बड़ा भूलनशील प्राणी होता है। याद तो करता है पर भूलता बहुत जल्दी है, क्योंकि आपको पता है मानव मस्ती की रचना ही ऐसी हुई है। एक मानव की ढांचा जो बनाई है मस्ती का ना, उसमें रिमेम्बरिंग पावर का दो क्षेत्र हैं, एक लॉन्ग लाइफ और एक शॉर्ट लाइफ। मैंने एक का लॉन्ग लाइफ होता है, एक का शॉर्ट लाइफ होता है। समझ लीजिए कि मान लीजिए ये मानव का मस्तिष्क है, खोपड़ी, कोई चीज़ ग्रहण किए हम, कोई चीज़ ग्रहण करते हैं, कोई भी चीज़ अगर पढ़ते हैं तो लगता है याद हो गया, लेकिन अगले पल भूल जाते हैं। क्योंकि जब भी कोई चीज़ एक बार गौर से पढ़ते हैं, गौर से, तो ओनली 18% आपके माइंड में कवर होते हैं, और वो भी शॉर्ट लाइफ में। इसका लाइफ यानी जो भी कुछ रिमेम्बरिंग किए आप याद किए उसमें शॉर्ट लाइफ है, जिसमें आपको मात्र 18% ही याद हुए। तो आप बता सकते हैं कि 100% याद रखने के लिए यानी लॉन्ग लाइफ जो भी याद किए उसको बनाने के लिए कम से कम कितने बार याद करने पड़ेंगे? 6 बार, तब आपको 100% क्रॉस करेंगे, करेंगे। और यही 6 दिन अगर मैं जो बोल रहा हूँ गौर सुनिएगा, अगर आप किसी चीज़ को याद करते हैं तो शॉर्ट लाइफ में जाता है, उसको लॉन्ग लाइफ में जाने के लिए कम से कम कितने बार याद करने पड़ते हैं? 6 बार, वो भी अस्थिर मन से, ना कि एकदम आए डिंग डोंग दिए और सोचे याद हो गया, कभी नहीं, मन माइंड को कंट्रोल कर गया। और उसके तरीके बताऊंगा, मोटिवेट करूँगा उसमें, मोटिवेशनल क्लास में ऐसा बहुत सारा नियम बताया हूँ याद करने का तरीके, हाउ टू इंक्रीज योर रिमेम्बरिंग पावर, कैसे करना है रिमेम्बरिंग पावर, कैसे इंक्रीज करना है सब, उसका वीडियो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसको भी देख सकते हैं। 18% एक बार में याद होती है, और 6 बार उसको मन से याद करते हैं तो आपका 100% याद हो जाते हैं। लेकिन अगर उसको 6 दिन अगर नहीं देखेंगे, जिसको आप लॉन्ग लाइफ टर्म में डाल दिए हैं, अगर 6 डेज अगर नहीं देखेंगे तो जानते हैं क्या होगा? ये जो आप लॉन्ग लाइफ में जो याद करके जो डाले हैं ना, उसका आयु, उसकी उम्र जो है ना, मात्र 18% रह जाएंगे आफ्टर 6 डेज। यानी कहने का मतलब आफ्टर 6 डेज यू विल हैव टू रिमेम्बर या रिवीजन करना ज़रूरी है, यानी यू विल हैव टू रिमेम्बर अगेन, पुनः आपको याद करना है, याद करना है, एक बार देखना है। अगर नहीं देखते हैं 18% में अटकिएगा, बोलेंगे कुछ पूछेंगे, कोई वर्ड है पूछेंगे, बैटल कुछ बोलिएगा, BAATTUL इस तरह से बोलिएगा, क्योंकि आपके पावर तो कम गए हैं,
बैटरी बैकअप ख़त्म हो चुका है। कोई भी मोबाइल फ़ोन भी है ना, तब 20% से नीचे जब बैटरी आती है ना तो टुटू आने लगता है। उसी तरह से स्टूडेंट की हालत है, तो टुटू आने लगिएगा, याद रखिएगा। चलिए, मैं पीछे वाले के साथ हूँ अभी। मैंने फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के बारे में जानकारी दिया था। फॉर्म्स ऑफ द वर्ब मैंने बताया था, वी वन एस कॉल प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म, याद है? गो, कम, इट, दुनिया का कोई भी वर्ब, दुनिया डिक्शनरी का चाहे कोई भी वर्ड जो वर्ब है, वह जो लिखा हुआ है जिस रूप में, वह वर्ड वह वर्ब अगर है तो वह हमेशा प्लूरल होगा। एकदम सिर पर कफन बांध लीजिए, कभी भूलिएगा मत। इसी के दूसरे रूप जिसको भी टू, ये हम टेंस में बोलेंगे, इसका भैरव बाबा का रूप है। हम सबको भर्व को भैरव बाबा बोलते हैं, क्योंकि काल है टेंस ना, तो काल को मारने के लिए कोई ना कोई जन्म लिया है। दुनिया कोई भी काल आया है, बताया ही होगा, फर्स्ट वीडियो डाला होगा, उसमें टेंस चालू करने से पहले बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम्स बताई गई थी कि सर मेरा कुछ भर्व पीछे है कुछ आगे हैं। तो सबको हम एक साथ सेंटेंस अरेंजमेंट नाम से एक लोगो दिया, ताकि सब लोग जो पीछे हैं, जो आगे हैं, जो भूल गए हैं, जो खा गए हैं, सब लोग सीख लें। देखिए, भी वन प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म है ना, ये भैरव का रूप है। दुनिया कोई भी काल जन्म लिया, सबको मारने वाला कोई ना कोई जन्म लिया है। काल कंस आया, कृष्ण का जन्म हुआ, काल कौरव आया तो जानते ही, अर्जुन आया। उसी प्रकार से टेंस भी काल है, तो उसको मारने वाला जन्म ले लिया है, सबका रूप भी है। भी वन वी टू पास्ट फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पास्ट फॉर्म, क्या बोलते हैं? पास्ट फॉर्म। वेंट, कम का केम, इट का एट। वी थ्री पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, इसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। गो, कॉन, कम, कम, कम का कम ही होता है विद्री, इट, इटेन। बी फोर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, इसको ही आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। और याद रखिए, इसको आईएनजी फॉर्म मतलब इसमें आईएनजी लगल रहेगा, बस इतना जान लीजिए, आईएनजी लगल रहेगा। क्या लगा रहेगा? आईएनजी लगल रहेगा, क्या लगल रहेगा? आईएनजी। इसे ही नाउन इक्विवेलेंट भी कहते हैं, या नाउन इक्विवेलेंट वर्ब है, नाउन के समतुल यह वर्ब काम करता है, इसलिए इसको जीरंड भी बोलते हैं। जीरंड क्या बोलते हैं? इसको हम लोग वर्बल नाउन ही बोलते हैं, वर्बल, वर्ब से बना हुआ नाउन, वर्बल नाउन। नया नाम सुने होंगे तो, वर्ब से बना हुआ नाउन, वर्बल नाउन, कंसेप्ट खत्म, मैजिक की तरह याद हो गया। भी फाइव प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म, देखिए यहाँ वर्ब हमेशा प्लूरल होता है मूल रूप में, लेकिन वर्ब के अंत में एस या ये जोड़ते हैं तो क्या बनता है? सिंगुलर बन जाता है, एकदम बिल्कुल मैजिक है, एकदम बिल्कुल नाउन का उल्टा है। दिमाग में एकदम धर लीजिए, जैसे ईट भर्व, खाना, काम, एक्शन भर्व, काम जहाँ हो रहा है वो भर्व है, जिसको देख रहे हैं, छू रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो नाउन है, बताए थे आप लोग को। तो जिससे काम व्यक्त हो भर्व है, भर्व में एस जुड़ गया तो सिंगुलर बोलिएगा, क्या बोलिएगा? सिंगुलर। जैसे रन, दौड़ना काम है, एक्शन है, एक्शन हो रहा है, तो यानी रन्स करेंगे सिंगुलर, रन है तो प्लूरल, रन है तो प्लूरल, एकदम बिल्कुल उल्टा है नाउन के। कन्फ्यूजन में मत रहिए, सोचिए मत, दिमाग पर हाथ मत रहिए, देखिए, सुनिए गौर से। नाउन जिसे, नाउन जिसको देख सकते हो, नाउन है, जैसे पेन नाउन है, तो नाउन सिंगुलर है, ये पेन जो है ना नाउन है, नाउन हमेशा मूल रूप में सिंगुलर होता है, और इसमें एस जुड़ेंगे ना तो प्लूरल बन गया। नाउन बिल्कुल उल्टा होता है वर्ब, राइट, लिखना, बताइए लिखना काम है या नहीं है? ना काम, तो काम है तो वह वर्ब है, और वर्ब है तो मूल रूप में वो प्लूरल है, एस या ई एस जोड़ देंगे, राइट्स करेंगे तो सिंगुलर बन जाएगा। माथे में बैठा लीजिए, माथे में क्या करिए? बैठा लीजिए। अब अपने आसपास के जितना भी एक्शन हो रहा है सबको देखिए, एक्शन देखा नहीं सकता, बस आपको लगेगा कि एक्शन हो रहा है, ऐसे आपकी माँ खाना पका रही है तो पकाना काम हो रहा है, चल रहा है हाथ पैर, यानी खाना पकाना यानी कुक जो है ना,
वह मेन भर्व है तो वह मूल रूप में कुक जो है प्लुरल है, कुक्स करेंगे सिंगुलर। आपका भाई दौड़ रहा है, दौड़ना, कोई गा रहा होगा गाना, गाना तो सिंग, तो सिंग जो है वह क्या है, चलिए बोलिए, हाँ प्लुरल है। और अगर सिंग्स करेंगे तो क्या, सिंगुलर, बिल्कुल सही। अब समझ में आई, समझना नहीं है, देखना केवल है और बिल्कुल मैजिक की तरह देखना है। आप ये मत समझिए कि हम क्लास के बाहर हैं, क्लास के पास नहीं, क्लास में ही, दूर नहीं है। चलिए देखिए और एक बात, और ये जो V1 V2 V3 का जो फॉर्मेशन है, जो बनते हैं ना, दो तरह के फॉर्मेशन है, किसके, गौर कीजिएगा, V1 V2 V3 का जो फॉर्मेशन है, निर्माण जो करते हैं हम लोग भर्व का, जो रूप निर्माण करते, दो तरह के फॉर्मेशन है। एक फॉर्मेशन को बोलते हैं रेगुलर फॉर्मेशन, एक फॉर्मेशन का नाम क्या है, बनाने का तरीका इसको बोलते हैं वो, दूसरा का नाम इरेगुलर फॉर्मेशन, माने IR लगा दो, ईर रेगुलर में IR खाली होना हो जाएगा इरेगुलर, इरेगुलर है ना बुआ, और हम खाली IR लगे इरेगुलर हो जाएगा। फॉर्मेशन, फॉर्मेशन माने रचना निर्माण, FORMATION, FORMATION। देखिए V1 से V2 और V3 तक बनाने का जो तरीका है वह दो फॉर्मेशन में काम करता है, रेगुलर इरेगुलर, रेगुलर इरेगुलर। बताइए V1 से लेकर V3 तक का जो फॉर्म निर्माण होता है उसके लिए किस बनाने का तरीका में कौन कौन फॉर्मेशन का निर्माण, कौन कौन फॉर्मेशन अप्लाई होता है, दो तरह के फॉर्मेशन, एक रेगुलर होता है, रेगुलर मन समझते हैं एक जैसा, इसको बोलते हैं, बोलते हैं ना एक जैसा। इरेगुलर समझिएगा, एक जैसा नहीं, अनियमित ढंग से, इसको बहुत लोग रटते हैं, कुछ नहीं बस देखिए जादू की तरह ख़त्म हो जाएगा। आइए, जिनको लिखना रहेगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखना रहेगा लिख लीजिएगा, पॉज करिए देखिए, बहुत जल्द कल तक, कल के बाद तो टेंस नहीं कर जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, कल ही इन करने की कोशिश में है, क्योंकि भर्व लगभग धीरे धीरे समझाइए रहे हैं, और समझना नहीं है, हम कहें आपको देखना है, बस मैजिक है। बताया रेगुलर फॉर्मेशन, एंड दूसरा इरेगुलर, आ रहे हैं कौन, आ रहा हूँ, वेट फॉर 5 मिनट्स, आई एम जस्ट कमिंग टू यू, ओके 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, हम इधर पर आ, रिकॉर्डिंग इज राउट राउट नाउ गोइंग ऑन, 13 मिनट्स हो गए हैं, 10 मिनट्स में यानी 24 मिनट्स का वीडियो है, 24 मिनट, हाँ 10 मिनट्स, आई एम जस्ट कमिंग, हाँ तो आइए आ गए। भी देखिए यहाँ गौर से देख लिए, V1 से हम लोग, ये भर्व का रूप है ना बुआ, V2 बना, यहाँ देखिए भर्व है कोई, इसका V2 रूप देते हैं एंड V3 रूप देते हैं, तो V1 तो मूल रूप है, वो डिक्शनरी का वर्ड है, वो तो जैसे वो तैसे रहेगा, तो जानते ही हैं। अब जानना है कि ये बनाने का जो V2 V3 तरीका क्या है, तो तरीका है रेगुलर और इरेगुलर, तो क्या इसका रूल हो सकता है, बिल्कुल होता है, और लेकिन रूल्स को आप फॉलो नहीं करना है, देखना है, रूल्स रटते रहिएगा। रेगुलर फॉर्मेशन, इरेगुलर वाले मैं तो आपको ही सलाह दूंगा, इरेगुलर फॉर्मेशन वाला आप लोग याद कर ले, ज़्यादा बेहतर होगा, तो रूल्स के चक्कर में ज़्यादा भूलिएगा, वर्ड जैसे याद करते हैं, अगर ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो आप कोई लाख है नहीं, मेहनत तो करना पड़ेगा। रेगुलर फॉर्मेशन किसको कहेंगे, इरेगुलर फॉर्मेशन किसको कहेंगे, तो दिमाग मूंद कर ध्यान दीजिए, सुनिएगा ख़त्म,
जिसका V2 और V3 V2 और V3 देख लीजिए, यहाँ देखिए V2 और V3 देख रहे हैं ना आप लोग, V2 और V3। रेगुलर फॉर्मेशन क्या है और इरेगुलर फॉर्मेशन क्या है, गौर से ध्यान दीजिए। जिसका V2 और V3 कांत अगर ईडी से हुआ है, किसे हुआ है, ईडी वाले ईडी से हुआ है, वह सभी V2 और V3 फॉर्म रेगुलर फॉर्मेशन में आते हैं। 99.999% ही नहीं, 100% ले लीजिए, मन में बैठा लीजिए, V2 और V3 वाले रूप में अगर ईडी लग गया है तो वह कौन होगा, रेगुलर फॉर्मेशन। अब अगर V2 और V3 फॉर्म में ईडी नहीं लगल हो, नहीं लगा हुआ हो, वह फॉर्मेशन इरेगुलर। V2 और V3 फॉर्म में अगर ईडी लग गया हो रेगुलर फॉर्मेशन, ईडी नॉट ईडी दैट मीन्स इरेगुलर फॉर्मेशन। आप कभी भी कहीं से भी कुछ सवाल पूछे, रेगुलर फॉर्मेशन है या इरेगुलर फॉर्मेशन, चुटकी में बजा के बना दीजिएगा। जैसे कोई पूछे ईट का V2 और V3 कौन फॉर्मेशन में, चेक कर लीजिए, एट ईटेन देखिए, नॉट इरेगुलर है ना। प्ले कोई पूछ दे, क्या याद, ये तो बोल देना है तुरंत, इतना लेट करते हैं हम लोग बोलने में। देखिए देखिए खत्म, डीडी लगल है, रेगुलर है ना। जैसे रन चेक कर रही है, कौन होगा, इरेगुलर है ना। कट 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 देखिए, ये डीडी लगल है, कौन होगा, इरेगुलर। कुछ लोग इसको सोचते हैं कि एक नियन है, एक ऐसा लग रहा है, इसको रेगुलर बोल दो, कभी मत लगाइएगा, कभी मत ऐसा पंगा लीजिएगा, महंगा पड़ जाएगा आप लोगों। पंगा लेना है तो केवल मुझसे लेना है और किसी से नहीं लेना है, ध्यान दे रहे हैं ना आप लोग, हंसना ही मना है, केवल सुनना है और देखना है, मैजिक है, सुनना और देखना, अच्छा लगे ताली बजाना है, रेगुलर फॉर्मेशन एंड इरेगुलर फॉर्मेशन। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जितना ही बताएं, जो भी मैंने आपको कहा, जो भी सिखाया, कंप्लीट हो गया होगा, हो गया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसना अब मना नहीं है, अब मैं छोड़ रहा हूँ 5 मिनट पहले ही, क्योंकि पीछे से कॉल आ गया है, खाने पीने का लेना भी एनर्जी, इसके बाद कुछ देर के बाद मैं कंपटीशन वाले बैच के लिए फंडामेंटल डालने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कभी नहीं अंग्रेजी पढ़ा हो, जो कभी नहीं बोला हो, कभी नहीं जानता हो अंग्रेजी से, जिसको डर लगता हो, उसके लिए मैं बहुत बहुत बढ़िया, ऐसा कि जैसा कभी सुना भी ना हो, देखा भी नहीं, बच्चे कहाँ फेलियर होते हैं, कैसे फेलियर होते हैं, क्या दिखते हैं, क्यों असफल हैं, उनके लिए मैं बनाने वाला हूँ शुरुआत का वीडियो, उनको डेमो देने वाला हूँ, 5 डेमो, उनको ऐसा ऐसा चीज़ दिखाने वाला हूँ जो अपनी सबसे बड़ी गलती को खोज निकालेंगे, और आप भी उसको देख सकते हैं, और जो भी देखें इसको शेयर भी करें, लोगों को सब्सक्राइब करने बोलिए, और साथ ही साथ बेल बटन ज़रूर दबाइए, क्योंकि उससे आपके हर एक नोटिफिकेशंस जो भी मैं अपलोड करूँगा पहुँच जाएंगे। ज़्यादा नहीं, 20 से 30 मिनट के बीच का वीडियो हमेशा रहेंगे, और जो इंटरटेनमेंट के साथ आज अभी 1-2-3 वीडियो में तो अभी आप लोग को नो मोटिवेशन दे रहा हूँ, हर एक वीडियो में मैं मोटिवेट करते हुए मैं क्लास शुरुआत करता हूँ। साथ ही साथ वर्ड तो मैं छोड़ूंगा नहीं, वो कैब तो मेरा जान है, और जान है तो जहान है। जैसे लॉकडाउन में भी बंद है
तो जान है तो जहान है, उसी प्रकार से वोकैब इज द लाइफ ऑफ इंग्लिश, वोकैब एज द लाइफ ऑफ इंग्लिश, और अगर वोकैब नहीं तो इंग्लिश नहीं। और याद रखिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इन संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, एवरीथिंग दैट यू फील यू कैन गेट, दैट यू थिंक यू कैन गेट, हर चीज़ जिसको आप देख सोचते हैं चाहते हैं प्राप्त कर सकते हैं, बस कोशिश, क्योंकि खाली हाथ बैठने वाले हमेशा बिजी हाथ को यानी बिजी रहने वाले को डिस्टर्ब करते हैं, तो आप भी उनसे दूर रहें, खाली हाथ ना बैठें और ना ही किन्हीं काम करने वाले को डिस्टर्ब करें। थैंक यू, शेयर ज़रूर करें, लोगों को बताइए, और भी तरीका बहुत तोड़ तोड़ के बताने वाला हूँ लॉकडाउन के दौरान, क्लास नहीं, ये बहुत बड़ी सुपर क्लास है, हिचकिचाइए मत, डरिए नहीं अंग्रेज़ी से, अंग्रेज़ी के करीब हैं आप लोग, और एक कदम बढ़ाइए, पहुँच आपकी होगी अंग्रेज़ी तक, मैं वादा कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।